वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। इस दौरान लोगों को इंतजार था कि वो कुछ ऐसा ऐलान करेंगी जिससे महंगाई से राहत मिलेगी, लेकिन आज के बजट में ना तो कुछ सस्ता हुआ और न ही कुछ महंगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, साथ ही कस्टम ड्यूटी ना तो बढ़ाई गई और ना ही घटाई। अब आपको बताते हैं कि इस बजट में आम जनता को क्या मिला। गरीबों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख लोगों को नया रोजगार मिला। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं और 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया, महिलाओं को 30 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए गए, करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। अब हमारा लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए ये भी बताया कि 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। चुनावी साल होने की वजह से ये मोदी सरकार का अंतरिम बजट था, बावजूद इसके लोगों को इस बजट से काफी सारी उम्मीदें थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के करीब 1 घंटे के बजट स्पीच में ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया जिससे मिडिल क्लास को राहत मिल सके, और न ही ये बताया गया कि क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा। हालांकि बजट से पहले LPG कमर्शियल सिलेंडर जरूर महंगा हुआ था जिससे जनता पर महंगाई की मार पड़ी थी।